नमस्ते, मेरा नाम कृतिका तिवक है और मैं SYBSC की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं आपको इंसानियत के बारे में एक कहानी के द्वारा समझाना चाहती हूँ। इंसानियत, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी हमें इंसानियत का बड़ा सबक ले जाते हैं। इस स्टोरी को सुन के आप भी यही कहेंगे, यही है इंसानियत। एक गांव में जीतू भैया नाम के एक लड़के थे। वो गटर को साफ करने का काम करते थे, लेकिन वो काम की वजह से उनको सारे लोग एक घृणा की नजरों से देखते थे, जैसे कि वो दुनिया का सबसे गंदा काम करते हैं। लेकिन जीतू भैया उनकी बातों को दिल पे ना लगा के वो काम करते जा रहे हैं। वो काम वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। उस काम में उनके दैनिक कार्यों के साथ वो स्कूल के पीछे वाली गटरों को भी साफ करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ, ये गटरों को भी साफ करना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे आके गिर ना जाए। इसलिए वो अपना कर्तव्य समझ के उस काम को पूरी ईमानदारी से करते थे और उनसे थोड़ी बहुत रोजी रोटी भी कमा लेते थे। लेकिन आसपास के लोगों उनको बहुत ही घृणा की नजरों से देखते थे, जैसे कि वो बहुत ही छोटा और बहुत ही गंदा काम है। एक लड़की ने उस भैया को बहुत ही प्यार और सम्मान की नजरों से देखा, जैसे कि वो आम लोगों के जैसे है, वो भी वो काम करते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं। वो लड़की उनके पास आई और उनसे पूछा, जीतू भैया आप इतने गंदे क्यों हैं? जीतू भैया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वही समय उसके पिता आए और उस लड़की को वहां से ले गए और जाते जाते जीतू भैया को बहुत ही घृणा की नजरों से देखने लगे। जीतू भैया फिर से अपना काम करने लगे। दूसरे दिन फिर वो बच्ची आई और वही सवाल दोहराने लगी, भैया आप इतने गंदे क्यों हो? जीतू भैया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही लगातार वो बच्ची बार बार आती रही और जीतू भैया से वो सवाल करती रही, लेकिन जीतू भैया के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। एक बार उन्होंने सोचा कि मैं आज अपना काम बहुत ही जल्दी करके चला जाऊंगा, जिससे कि वो बच्ची मुझसे वो सवाल ना कर सके। लेकिन जैसे ही जीतू भैया वहां से जा रहे थे, वो लड़की फिर से आई और उस लड़की ने जीतू भैया से कहा, भैया क्या आपको लाल रंग पसंद है? जीतू भैया ने कहा, क्या? कहा, आपको लाल रंग पसंद है? जीतू भैया को कुछ समझ नहीं आया कि वो लड़की तुमसे क्या पूछ रही है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसे प्यार और सम्मान की अपेक्षा किसी से भी नहीं की थी। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी बैग में से एक नया सा शर्ट निकाला, लाल रंग का, और जीतू भैया को दिया। जीतू भैया उसे देखकर बहुत ही भावुक हो गए। उस बच्ची ने जीतू भैया से कहा, भैया मैं आपका काम तो नहीं बदल सकती, आपको गंदा होने से नहीं बचा सकती, लेकिन आपको एक खूबसूरत और बहुत ही अच्छे एक पोशाक में तो देख सकती हूँ ना। भैया ये शर्ट आपके लिए है, जिसे कि आप अच्छे कपड़े पहन सको और दूसरे लोगों की तरह सामान्य दिख सको। वो बच्ची वहां से चली गई, लेकिन वहां पे वो सारे लोग थे, वो उस घटनाक्रम को देख रहे थे और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि नहीं, जीतू एक ऐसा काम कर रहा है जो हम सब कर रहे हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए है, लेकिन उस गटरों को हमें साफ करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पे ना गिरे, लेकिन वो जीतू साफ कर रहा था। और इस कोरोना की घड़ी में इंसानियत ही हमारा हथियार है, जिससे हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। और इस पर मैं एक पंक्ति सुनाना चाहती हूँ, इस कष्ट की घड़ी में इंसानियत ही है हमारा मजहब, इस कष्ट की घड़ी में इंसानियत ही है हमारा मजहब, जिस रोज मिल जाए उस रोज सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस मुश्किल की घड़ी में एक ऐसा इंसान ढूंढता हूँ, इंसानियत हो जिसका मजहब, वैसा इंसान ढूंढता हूँ। रोटी है मेरा खुदा और रोजी है मेरा मजहब, रोटी है मेरा खुदा और रोजी है मेरा मजहब, इस कष्ट की घड़ी में इंसान ढूंढता हूँ, इस कष्ट की घड़ी में इंसानियत का मजहब ढूंढता हूँ। अस्तु।